लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सभी विजयी सांसदों से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने वन टू वन चर्चा की। सांसदों से चर्चा में अजय जम्वाल ने लोकसभा चुनाव का फीडबैक लिया। इस दौरान अधिक से अधिक अपने क्षेत्र की जनता के संपर्क में रहने की सलाह दी। साथ ही चुनाव के दौरान किए गए कमिटमेंट को पूरा करने और अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से सदन में उठाने को कहा गया। इस मामले में संसद सदस्यों से भी चर्चा की। संगठन महामंत्री अजय जम्वाल सभी नौ निर्वाचित जीते हुए सांसदों से चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ सांसद विजय बघेल जी है। सर, आज बैठक यहां पर हुई है, वन टू वन चर्चा हुई है, क्या कुछ विषय रहा, मुद्दा रहा? कोई विषय नहीं रहा, मैं तो सामूहिक रूप से आप लोग को बता चुका हूं। एक औपचारिक बैठक थी, चुनाव के बाद सांसदों के साथ बैठना ये हमारी पार्टी की परम्परा है और माननीय जम्वाल जी, माननीय पवन साय जी के साथ बैठ के चर्चा हुई। पिछले बार से लीड बढ़ा, उसके लिए बधाइयाँ भी दी, आगे के लिए शुभकामनाएँ दी और इस चुनाव के बाद और क्या अच्छा कर सकते हैं और इस चुनाव में कोई कमी कोई परेशानी आई है उसके बारे में चर्चा की है। ये तो हमारे जो हमारे प्रमुख संरक्षक के रूप में है लोग, वो इस तरह की बात करते हैं, पूछते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और वही बातें आज पारिवारिक तौर पर हुई है। सर, कोई गिले शिकवे पर भी बात हुई है क्या? कोई गिले शिकवे बात नहीं, गिला शिकवा है ही नहीं है, अच्छे से जीते हैं, सरकार बनी है, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सर, आगे क्या प्राथमिकताएं, किस तरह से काम करेंगे जनता के? केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार, यहाँ माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार और दोनों मिलके एक डबल इंजन सरकार मिली है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपने क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये सांसद विजय बघेल जी जो आज जो है क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल के साथ इनकी जो है वन टू वन चर्चा हुई और उनका कहना है कि आगे किस तरह से काम करना है, क्या रोड मैप रहा है, इन सभी को लेकर बातचीत हुई है। कैमरामैन रिजवान के साथ स्वप्न गोरखेड़े, आईएनएच न्यूज़ रायपुर। अभी चुनाव जीतने के बाद पहली बार हमारे माननीय संगठन मंत्रियों से मिलना हुआ और मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करने आया था कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, पार्टी के द्वारा टिकट दिया, इसलिए चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद करने के लिए आया था। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत किया और जीत का परिणाम तो जो भी हो अंतर से कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता और जीत तो जीत होती है और जो कसमकश में जो जीत होता है, संघर्ष के बाद जो जीत होती है उसमें ज़्यादा आनंद आता है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो